हेलो किड्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर फोर्थ में क्या क्या देखा हुआ है, मैंने आपसे पढ़ने का भी बोला था। आई होप आप सभी ने रीड किया होगा। बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसमें पॉइंट पढ़ लिया है, पॉइंट के बाद हमने लाइन सेगमेंट पढ़ लिया है, हमने लाइन भी पढ़ लिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी हुई थी हमने, पैरेलल लाइन पढ़ी हुई थी हमने, रे पढ़ी हुई थी हमने। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन से बात करते हैं। नेम द गिवन लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूसिंग ओनली टू लेटर्स एट टाइम फॉर द फोर गिवन। तो इसमें आपको क्या करना है, आप इसको जितनी भी पॉसिबल लाइन है उनको बताना है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि लाइन क्या होती है। लाइन की डेफिनेशन यदि आपको ध्यान नहीं है तो एक बार आप लाइन की डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए एंड डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन। तो मतलब इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता, ये बियॉन्ड चलती है। और इसको किस सिंबल से शो किया जाता है, इस तरीके से। तो अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन सेकंड में आप ध्यान दोगे तो क्या दिया है, ए बी, एक लाइन ए बी है, फिर बी सी भी है एक, क्योंकि यहां आप देखोगे कि बी और सी से आगे भी लाइन है। यदि ये लाइन आगे है इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन है। यदि इस पॉइंट और इस पॉइंट से आगे भी लाइन बनी हुई है, तो यदि वो किसी पॉइंट टू पॉइंट यदि इस तरीके से फिक्स कर देते हैं तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज नॉट अ लाइन। फिर इसमें सी डी भी है एक, और यदि हम लिखें तो इसमें ए डी भी एक लाइन है। इसको ऊपर कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। ऊपर हम क्या सिंबल यूज करते हैं, इस तरीके से लाइन और दो एरो। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन ए बी, इसमें पॉइंट तो है बट ये लाइन ए बी पॉइंट से भी बाहर है। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें ए सी भी हो सकता है आपका, इसमें आप ए सी भी लिख सकते हो, इसमें आप बी डी भी लिख सकते हो। और अब आप इसके अलावा आपको खुद फाइंड आउट करने हैं कि और इसमें क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेन पॉइंट ई। ऐसी कौन सी लाइन है जो पॉइंट ई से निकलती है? तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सी लाइन होगी, वो ये वाली, इसमें पॉइंट ई होगा। तो ई और एफ, तो हम क्या लिखेंगे लाइन, ये हम सीधे शो कर देंगे ऊपर ग्राफ बना के, ई एंड एफ। बी, लाइन पासिंग थ्रू ए, कौन सी लाइन ऐसी है जो ए से पास कर रही है? तो ए से पास बहुत सारी लाइन कर रही हैं, ए बी भी कर रही है, ए डी भी कर रही है, ए ई भी कर रही है, बहुत सारी लाइन इसमें से पास कर रही हैं। तो आप सभी के नाम लिखेंगे। अभी मैंने क्या बोला, ए बी, ए बी लाइन भी पास कर रही है, बी डी लाइन भी पास कर रही है, ए डी लाइन भी पास कर रही है, और ए ई लाइन भी पास कर रही है इसे, ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, जो पॉइंट ओ है वो कौन सी लाइन पे है? तो सी वाले का क्या होगा, ओ सी लाइन पे पॉइंट ओ है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इंटरसेक्टिंग लाइन में इसमें दो पेयर दिए हुए हैं। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, ए लाइन को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट बाय कौन सी लाइन, सी ओ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और इसमें आप देखोगे तो कौन सी लाइन किसको कर रही है, ये तो पहला हो गया। दूसरा आप देखोगे कि ए ई लाइन को सेम इंटरसेक्टेड बाय कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ई एफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब उसके आगे आते हैं, तो आपके इस थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। फोर्थ, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स। अब देखो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो मान के चलते कि आपके पास एक पॉइंट बना हुआ है, दिस इज अ पॉइंट। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो इस पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं।
क्योंकि आप इस तरीके से भी क्लाइंट पास कर लेंगे, जिस पॉइंट का चलो अपन कोई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हो गया ए। अब ये पॉइंट से एक लाइन ये पास कर रही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, तो अनलिमिटेड लाइंस पास करेंगी इस पॉइंट से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टू गिवन पॉइंट्स, दो दिए हुए पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, इसके अलावा कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई लाइन बनाते हो तो इस पॉइंट पे नहीं आएगी, यदि इस पॉइंट से लाइन बनाते हो तो इस पॉइंट पे नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली इससे सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी। बट एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास कर सकती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक रफ फिगर बनाना है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ये अपने लिए ड्रॉइंग का काम है, तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। लाइन ए बी, अब देखो जब ऊपर एरो नहीं लगे होते, ये एरो नहीं मिले, सीधा एक लाइन मिलती है, इसका मतलब होता है दिस इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा जो ए और बी से बंद है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। जितने भी आप डायग्राम बना रहे हो, यू हैव टू मेक इट बाय द पेंसिल नॉट बाय द पेन। तो ये ए बी है, अब इसमें कौन सा पॉइंट बनाना है, पॉइंट पी इस पर चाहिए हमें। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। द सेकेंड, अब देखो यहां पे एक्स वाई आप देखोगे तो एक्स वाई पे ऊपर एरो लगा हुआ है, मतलब एक लाइन जो है यहां पे एक्स वाई सिर्फ पॉइंट है, एक्स एंड वाई क्या बोला है, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो एक लाइन, जब इंटरसेक्शन आपको पता है कि जब कोई लाइन एक किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये हो गया आपका पी क्यू। अब वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट एम, वो एम पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपका किसका सॉल्यूशन है, बी का। सी, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, ठीक है, लाइन है इसमें ई एफ तो है, उस लाइन को क्या बोला है, एल बोला है, बट डी नहीं है, डी नहीं है तो डी आप वहां पे पॉइंट लिख सकते हो लास्ट में डी। ये अब आपको खुद करना है, सेम बी जैसा है जैसा हमने इसको किया हुआ था, ओपी लाइन एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ, तो सेम जैसा ही है, इंटरसेक्ट करना या मीट करना सेम एक ही कंडीशन में आता है, तो इस चीज को आपको करके भेजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको मुझे करके भेजना है, इसमें क्या क्या किस तरीके से ये सॉल्व होगा, और आपको याद रखने हैं जो भी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं डेफिनेशन का यूज़ करके ही आपको उनके सारे सबके सॉल्यूशन होंगे। तो आपको आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और सभी लोग होमवर्क सेंड करेंगे। ओके किड्स, देन सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।